दोस्तों, एक मिडिल क्लास आदमी, एक एवरेज इंडियन केवल एक टाइप से पैसा अर्न करता है, वहीं एक मिलियनेयर, एक अमीर आदमी 8 तरीके से अपनी इनकम जनरेट करता है। यानी एक अमीर आदमी के पास 8 तरह की स्ट्रीम्स होती है जो उसका कैश फ्लो जनरेट करती रहती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ प्रैक्टिकल इनकम स्ट्रीम्स जो हर आम आदमी जनरेट करके अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकता है बिना अपना एडिशनल समय लगाए। तो दोस्तों, जितनी भी इनकम स्ट्रीम्स है वो टिपिकली दो कैटेगरीज में बांटी गई है, एक पैसिव इनकम स्ट्रीम्स और एक एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स। एक्टिव इनकम स्ट्रीम्स वो होती है जिसमें आपको रेगुलर बेसिस पे अपना समय और अपनी एनर्जी लगानी पड़ती है इनकम जनरेट करने के लिए। वहीं पैसिव इनकम वो स्ट्रीम होती है जिसमें ऑनगोइंग बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर आपको कोई भी समय एनर्जी नहीं लगाना पड़ता या बहुत मामूली समय लगाना पड़ता है। इन इनकम स्ट्रीम्स में से कुछ पर लगता है भारी टैक्स और वहीं कुछ इनकम स्ट्रीम्स पर जीरो टैक्स लगता है। इन सभी बातों का विश्लेषण हम आज इस वीडियो में करेंगे। जो भी लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, मैं गारंटी देता हूं वो किसी न किसी तरीके से अपनी इनकम को बढ़ाने में ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि जब तक उनको जानकारी नहीं होगी कि किस तरीके से आप इनकम जनरेट कर सकते हो, वो इनकम कैसे जनरेट करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं एक लेबर लॉ कंसल्टेंट, मैं कंसल्ट करता हूं 500 से ज़्यादा कंपनीज को, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, ऑथर हूं, यूट्यूबर हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 इनकम स्ट्रीम्स through which every Indian can generate passive income. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, पहली हमारी इनकम है अर्नड इनकम। ये इनकम आप अपना समय लगाकर अर्न करते हैं, चाहे वो आवरली बेसिस पे हो, वीकली या फिर मंथली। इसे आप सैलरी इनकम भी बोल सकते हैं। इसमें कंपनी के एम्प्लॉयज से लेकर उसके सीईओ सीएक्सओ तक इंक्लूड रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो भी सैलरीड एम्प्लॉयज ही होते हैं। और ना सिर्फ एम्प्लॉयज, इस कैटेगरी में प्रोफेशनल्स भी आते हैं, चाहे वो लॉयर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, सीए हो गए। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक डॉक्टर खुद बीमार हो गया और आज वो अपने क्लिनिक में जाकर पेशेंट्स को नहीं देख पा रहा है, तो ऐसे में उस दिन की उसकी इनकम हो जाएगी जीरो। ज़्यादातर लोग, चाहे आज वो मिलियनेयर हैं या मिडिल क्लास, उनका इनकम का स्टार्टिंग सोर्स अक्सर यही होता है। लेकिन जो काम की बात आप सभी को ध्यान रखनी है, डू नॉट स्टे हियर। यानी केवल ये अकेली कैटेगरी नहीं बन जानी चाहिए आपकी ज़िंदगी भर जिससे आप अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी के पास एक चीज़ लिमिटेड है, वो है आपका टाइम। हर दिन में आपके केवल 24 ही घंटे हैं। अगर आप अपना टाइम ट्रेड करके इनकम अर्न कर रहे हैं, तो उसकी ऑलवेज एक सीलिंग होगी जिससे ज़्यादा आप कभी अर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाली जो 7 कैटेगरीज में बता रहा हूँ, उनमें से 1, 2 या 3 या मल्टीपल कैटेगरीज में आप अपनी इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। सेकंड टाइम की जो इनकम होती है वो ट्रांजैक्शनल इनकम। ट्रांजैक्शनल इनकम बचे हुए 7 तरीकों में से प्रोबेबली सबसे इजी टू स्टार्ट है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी आपका सबसे कम लगता है। ट्रांजैक्शनल इनकम का मतलब होता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज लोअर कॉस्ट पर प्रोक्योर करते हैं या नो कॉस्ट में प्रोक्योर करते हैं, और आगे अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट बेचकर उसको आगे बेच देते हैं और उससे आप प्रॉफिट अर्न करते हैं। यानी जब भी आपका कोई ट्रांजैक्शन होता है उसमें आप अपनी इनकम अर्न करते हैं, इसे ट्रांजैक्शनल इनकम बोला जाता है। ट्रांजैक्शनल इनकम के एग्जांपल, चाहे आप अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, चाहे वो आप फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच रहे हो, चाहे एज अ स्टॉकिस्ट आप होलसेलर हैं और आगे रिटेलर्स को अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो, या फिर मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो लैंड की जो आपके पास डील्स आती है उसे आप आगे हायर मार्जिन पर बेच देते हैं। तो ये सारे तरीकों में आप किसी न किसी प्रोडक्ट को आगे बेच रहे हैं। ठीक इसी तरीके से आप सर्विसेज का भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा पेटीएम का। जब भी आप पेटीएम के ऐप के थ्रू ट्रांजैक्ट करते हैं, तो छोटी सी एक फीस पेटीएम के पास चली जाती है जिससे वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना चुके हैं। फॉर एग्जांपल बुक माई शो, आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पर आकर लोग मूवीज के टिकट खरीदते हैं, और हर ट्रांजैक्शन पर बुक माई शो एक छोटी सी ट्रांजैक्शनल फीस चार्ज करता है और करोड़ों रुपए बनाता है। जो ये ट्रांजैक्शनल इनकम है, ये भी 2 तरीके की हो सकती है, पैसिव या फिर एक्टिव। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड है वो आप खुद ही कर रहे हैं और उसके बाद उसे आगे जाकर एक एक करके बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ होममेड प्रोडक्ट बना रहे हैं या एक पेंटिंग बना रहे हैं, उस पेंटिंग को आप सेल करते हैं, तो इसमें ग्रोथ का चांसेस कम हो जाता है क्योंकि सारा काम आपको करना पड़ रहा है।
लेकिन मान लीजिए आपने किसी मैन्युफैक्चरर के साथ टाइप किया और उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप आगे सेल कर रहे हैं, तो इस बिजनेस को स्केल करने का चांस आपके पास ज़्यादा है। या मान लीजिए आपका प्रोडक्ट डिजिटल है, यानी कोई मोबाइल ऐप हो सकती है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई ई बुक हो सकती है, कोई ई कोर्स हो सकता है। इसमें ना आपको स्टोरेज का झंझट है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का झंझट है, आपको केवल प्रोडक्ट बेचना है और इनकम अर्न करनी है। और आज के टाइम में आप जीरो कॉस्ट जीरो इन्वेंट्री पर ट्रेडिशनल तरीके की सेलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ ही दिनों पहले मीशो ऐप पर एक वीडियो बनाया था। इस ऐप के थ्रू आप जीरो इन्वेस्टमेंट पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और यदि आप ये स्क्रीन पर दिखाए हुए कोड से इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 150 रुपीज ऑफ भी मिल जाएगा। अब इसमें बात करते हैं टैक्स के पर्सपेक्टिव से। इसमें जो इनकम है, यदि आप उसे अपने पर्सनल लेवल पर कर रहे हैं तो इससे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की कैटेगरी में डाला जाएगा और उसे उसी तरीके से टैक्स किया जाएगा जिस तरीके से आपकी सैलरी को टैक्स किया जाता है। लेकिन मान लीजिए आप एक बिजनेस या कॉरपोरेशन या एक पार्टनरशिप फर्म बनाकर उसके अंदर ये सारा काम करते हैं तो आपको काफ़ी सारे टैक्स एग्जम्पशन मिल जाएंगे। आप अपने एक्सपेंसेस उसमें फाइल कर पाएंगे और केवल अपने बचे हुए प्रॉफिट पर ही आपको टैक्स देना होगा। तीसरी टाइप की इनकम की बात करते हैं, वो है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों को पैसा उधार दें और फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करें। जी नहीं दोस्तों, बहुत सारे और सिक्योर और सेफ तरीके हैं जिसमें आप एक रीजनेबल रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना पैसा बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अपना पैसा कंपनीज के पास लगा सकते हैं, या फिर आप अपना पैसा गवर्नमेंट को भी दे सकते हैं इन फॉर्म ऑफ PPF, EPF अकाउंट्स। और काम की बात यह है कि ये जो रिटर्न आपको मिलता है, ये जो इनकम मिलती है, इसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है। यदि आपने अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में लगा रखा है, चाहे वो बैंक का सेविंग अकाउंट हो, चाहे कॉर्पोरेटिव सेविंग अकाउंट हो, या फिर पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट ही क्यों ना हो, उसका इनकम टैक्स सेक्शन ATTTA के अंतर्गत आपको 10,000 रुपए की छूट मिलती है। ठीक उसी तरीके से अगर आपने PPF में पैसा लगा रखा है तो फिर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। वहीं सीनियर सिटीजन के लिए इनकम की जो छूट है वो 10,000 से बढ़ाकर 2018 में 50,000 रुपए कर दी गई है, यानी 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पर सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स नहीं देना होगा। दोस्तों, जो अर्नड इनकम है उसके ऊपर सबसे भारी टैक्स होता है, यानी जो सैलरीड एम्प्लॉयज होते हैं वो सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। भारत में रेट अप टू 30-35% तक चली जाती है, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। आप उसको इस तरह से सोचिए कि साल के 5 महीने तो आप केवल गवर्नमेंट के लिए ही पैसा बना रहे हैं। आइए फोर्थ इनकम की बात करते हैं, वो है डिविडेंड इनकम। डिविडेंड का मतलब जब भी कोई कंपनी जिसके आप पार्टनर हैं, शेयर होल्डर हैं, वो प्रॉफिट्स बनाती है और प्रॉफिट्स को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो आपकी जो हिस्सेदारी बनती है उसे आपका डिविडेंड बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं सचिन बंसल, अब वो फ्लिपकार्ट छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने मनी को इन्वेस्ट करा है और कई सारी कंपनीज में, फॉर एग्जाम्पल ओला कैब में, अन अकेडमी में, ट्रैक्सिम में। तो ये कंपनीज जब भी अपना प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसमें से सचिन बंसल को अपना शेयर मिलता रहेगा। और दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। आप जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इक्विटी शेयर परचेस करेंगे तो अच्छी कंपनियां साल दर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। और इसमें भी सबसे बड़ी फायदे की बात है टैक्स में एग्जम्पशन। जी हाँ दोस्तों, जो डिविडेंड इनकम होती है वो इनकम टैक्स के सेक्शन के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट है। और उसके बाद जो इसमें टैक्स लगाया गया है वो भी 2016 के बाद लगाया गया है 10%। फॉर एग्जाम्पल, रवि की डिविडेंड से इनकम 15 लाख रुपए है, तो उसमें 10 लाख रुपए तक उसे कोई भी टैक्स नहीं देना है और बचे हुए 5 लाख रुपए पर 10%, यानी टोटल 15 लाख पर सिर्फ 50,000 रुपए टैक्स देना है, जो अर्नड इनकम से काफी काफी कम है। और ना सिर्फ डिविडेंड फ्रॉम कंपनीज, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स भी इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 35 के अंतर्गत टैक्स से एग्जम्प्टेड है। अब फिफ्थ टाइप की इनकम की बात करते हैं, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम का नाम लेते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में केवल एक ही चीज आती है, वो है रेंटिंग आउट ऑफ होम्स। ना सिर्फ लैंड, जबकि आप इक्विपमेंट्स या व्हीकल्स को भी रेंट कर सकते हो। सबसे पहले, जब भी आप कोई इक्विपमेंट या रियल एस्टेट लेंड कर रहे हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रखिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश पॉजिटिव है कि नहीं। यानी मान लीजिए आपने वो प्रॉपर्टी या फिर वो इक्विपमेंट
लोन में लिया है तो आपकी मंथली ईएमआई और उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट आपकी रेंटल इनकम से निकल रहा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई घर खरीदा है जिसकी मंथली ईएमआई आप 10,000 रुपये पे कर रहे हो और साथ ही साथ उस सोसाइटी का 2,000 रुपये मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे रहे हो, यानी 12,000 रुपये हर महीने का आपका खर्चा है और उससे जो आपकी इनकम हो रही रेंटल वो केवल 10,000 रुपये हो रही है, यानी ये कैश नेगेटिव डील हो गई, यानी ये डील आपके लिए सही नहीं रही। लेकिन मान लीजिए इनकम यदि 15,000 रुपये मंथली हो रही है तो ये कैश पॉजिटिव यानी अच्छी डील हुई जो आपको लाइफ टाइम तक कुछ ना कुछ इनकम देती रहेगी। ये जो रेंटल इनकम है, यदि आप एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो रेंटल जनरली ज़्यादा होता है और उसमें रिटर्न बेहतर होता है। इंडिया में हाउसिंग रेंटल्स के केस में ज़्यादातर आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। और ना सिर्फ आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टीज़ खरीदें, आप इक्विपमेंट्स का भी रेंटल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इक्विपमेंट रेंटल ऑफ म्यूज़िक, लाइटिंग, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इत्यादि इत्यादि। आप अपने आसपास देखिए कि किस तरीके के बिजनेस, किस तरीके के लोग हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिटी एक ग्रोइंग सिटी है जहाँ पे हर कुछ घरों के बाद कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स अपने पास खरीद कर रख सकते हैं जिसे रेगुलर बेसिस पर रेंट देकर आप रेंटल इनकम अर्न कर सकते हैं। रॉयल्टी इनकम, जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा तरीके का इनकम सोर्स है। इसमें मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसे मैं YouTube पर अपलोड करूंगा और इस वीडियो से, चाहे मैं सो रहा हूँ, चाहे मैं वेकेशन पर भी क्यों ना हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो से मुझे थोड़ी बहुत अर्निंग रेगुलर बेसिस पर होती रहेगी। ठीक इसी तरीके से ना सिर्फ वीडियोस, आप मूवीज, म्यूजिक, फोटोज, बेसिकली कोई भी ऐसा काम जिसमें आपने एक बार वर्क कर लिया और उस वर्क को लोग बार बार यूज कर रहे हैं, उन सभी पर आप रॉयल्टी अर्न कर सकते हैं। मैं एक बहुत ही फेमस ऑथर चेतन भगत का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। चेतन भगत ने बहुत सारी बुक्स लिखी है जैसे 5.1, वन नाइट एट कॉल सेंटर वगैरह वगैरह। इन सभी बुक्स की सेल होती है जब भी ऑफलाइन बुक बिकती है या फिर ये ऑनलाइन किंडल इत्यादि पर ये बुक बिकती है, तब उसकी एक रॉयल्टी चेतन भगत को मिलती रहती है। और ना सिर्फ बुक्स, इन बुक्स पर जब मूवीज बन गई है तो उन मूवीज का भी जो प्रॉफिट शेयर आता है रेगुलर बेसिस पे, वो भी चेतन भगत को मिलता रहता है। मेरी भी एक बुक अमेजोन पर मैंने डाली थी क्लास 12th में जो मैंने लिखी थी, और आज भी एक बुक जब सेल होती है तो उससे रॉयल्टी इनकम मुझे होती रहती है। नेक्स्ट जिस इनकम सोर्स की बात करने वाले हैं वो है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब, यदि आपने किसी एसेट, चाहे वो रियल एस्टेट हो या चाहे स्टॉक हो, उसमें इन्वेस्ट किया है और विथ टाइम उस स्टॉक या उस रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये वैल्यू में जितना इंक्रीमेंट हुआ है उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने 10 लाख रुपए का कोई लैंड परचेस किया और 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 13 लाख 14 लाख रुपए हो गई, तो ये 3-4 लाख रुपए का जो इंक्रीमेंट हुआ है इसे कैपिटल गेन कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी ऐसा ही कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन जनरली दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडिया में काफ़ी कम टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म, यानी आपने स्टॉक को 24 से 36 महीने से ज़्यादा होल्ड करते हो, उसके बाद उस पर जो भी कैपिटल गेन होता है उस पर केवल 10% आपको टैक्स देना होता है। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज के केस में, यदि आपने अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप किया है, यानी एक प्रॉपर्टी बेचकर उसके बढ़े हुए पैसों से एक हायर वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता, यानी बिना टैक्स दिए ही आप अपनी नेटवर्थ और अपनी एसेट वैल्यू को बढ़ाते चले जाते हैं। और मैं जो लास्ट जिस मॉडल की बात करने वाला हूँ वो है रिकरिंग इनकम। ऐसी इनकम जो आपको रेगुलर मंथली या ईयरली बेसिस पर होती रहे। एक बार आपने किसी कस्टमर को एक्वायर किया या कोई सर्विसेज को एक्वायर किया, उसके बाद वो सर्विस या वो पर्सन या वो कस्टमर आपको रेगुलर बेसिस पर इनकम देता रहे। इसका मैं बहुत ही आसान एग्जांपल आपको देता हूँ, LIC एजेंट का। अगर आप एक LIC एजेंट है और आपने कोई LIC की पॉलिसी एक बार किसी कस्टमर को बेच दी, तो अगले 10, 15, 20 सालों तक जब तक वो पॉलिसी चलती रहेगी, उस पॉलिसी का एक कमीशन परसेंटेज जो 5, 10 या 15% हो सकता है आपको ऑन गोइंग बेसिस पर मिलता रहेगा। यानी एक बार आपने मेहनत करी उस कस्टमर को एक्वायर करने के लिए और वो कस्टमर आपको साल दर साल रिकरिंग इनकम देता चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से काफ़ी सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन या फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू आप रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जिम हो गया, सलून हो गया, क्लब्स हो गया,
इवन रेस्टोरेंट्स के केसेस में भी कुछ केसेस में आप रिकरिंग इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आप टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हैं तो कोई एक ऐसा बिजनेस या ऐसी सर्विस, ऐसी वेबसाइट, ऐसी ऐप बना सकते हैं जो आपको रिकरिंग सब्सक्रिप्शन की फॉर्म में इनकम देती रहे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ नेटफ्लिक्स का या फिर हॉटस्टार का। इनमें आप चाहे वीडियो देखें ना देखें, हर महीने आपके अकाउंट से कुछ रुपए कटते चले जाते हैं अगेंस्ट द सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों, ये 7 टाइप की जो एडिशनल इनकम मैंने बताई और टोटल 8 टाइप की इनकम बताई, इस देश या दुनिया के जितने भी मिलियनेयर्स हैं, रिच आदमी हैं, वो इसमें से मल्टीपल टाइप के इनकम सोर्सेस को अपने इनकम में क्लब करते चले जाते हैं। और चाहे वो रेगुलर अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हों या नहीं दे रहे हों, उनकी इनकम बढ़ती चली जाती है, उनका नेटवर्थ बढ़ता चला जाता है। तो इन सारे इनकम सोर्सेज में आपको कौन सा इनकम सोर्स बेस्ट लगा, आप कौन कौन से इनकम सोर्सेज से अभी करंटली अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, हमें नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। हम आपके सारे कमेंट्स को ध्यान से पढ़ते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने हमें ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट किया है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से यदि आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो ज्वाइन बटन के थ्रू आप हमारी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, ताकि हम रेगुलर बेसिस पर अपनी रिकरिंग इनकम जनरेट करते हुए आपके लिए इस तरह के वीडियोस प्रोड्यूस करते जाएं। तो दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद और जय भारत।